नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों टाइम एंड वर्क लेकर के आए हैं और ये टाइप बाय टाइप को समझेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे आप बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, बिहार पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको इस चैप्टर से सवाल जरूर मिलेगा। तो एकदम टाइप बाय टाइप समझेंगे। और जिन भाइयों ने सवाल को पहले समझ रखे हैं, उनका भी यह रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न। जैसे देखिए, टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय, इसमें तीन व्यक्ति चार व्यक्ति मिलकर काम कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है और बी व्यक्ति जो है वह 30 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है। ए व्यक्ति अकेले किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बी है वह 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर ये दोनों को मिला देंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो देखिए, इसे जो है हम इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो होगा मेरा वो क्या होगा? कुल कार्य होगा। तो देखिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो ये 60 जो हो गया मेरा क्या हो गया? ये कुल कार्य हो गया। ए ने 20 दिन में 60 काम को खत्म कर देता है, दूसरा व्यक्ति बी ने 30 दिन में 60 काम को खत्म कर देता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए यानी कि दोनों को साथ में काम पर लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो देखिए, यह जो है कि आपका 20 या 60 यानी कि ए जो है कि काम आपका यह हो गया आपका एक दिन का काम, यह जो हुआ आपका एक दिन का काम हुआ, यानी कि बी ने एक दिन में तीन काम करके 20 दिन में काम समाप्त कर देता है। अब बी देखिए, बी जो है कि यह काम करेगा एक दिन में दो काम करेगा, बी एक दिन में दो काम करके 30 काम खत्म कर दिया। तो यह जो एक दिन का जो कार्य होता है ना, उस व्यक्ति का क्षमता होता है। अब देखिए, ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर काम करेगा, तो यानी कि कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है 60 और दोनों का क्षमता कितना है? दोनों का क्षमता है 3 + 2 यानी कि 5। तो 12 × 5 = 60 यानी कि 12 दिन में काम को खत्म कर देगा दोनों मिलकर। तो आइए, अगर तीन आदमी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सी रहेगा, सी उस काम को 15 दिन में काम करेगा, सी उस दिन को 15 दिन में काम करेगा। तो इसका भी जबकि 15 × 60 इसका 4 रहेगा, तो टोटल को जोड़ करके आप भाग दे दीजिएगा टोटल कार्य में, तो आपका काम खत्म हो जाएगा जल्दी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न रखकर समझते हैं। तो आइए, पहला टाइप, पहला सवाल। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए, आप इसे दो तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि ए 10 दिन में समाप्त करता है बराबर बी कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा है क्या? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी गुना टी यानी कि समय। तो आप क्या करिए, इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो चलिए, 30 जो आएगा एलसीएम जो होगा आपका 30 आ जाएगा। अब 30 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? तो ए का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें कितना से गुना करेंगे? 2 से। देखिए, 3 और 2 आ गया। तो अब आप जो है कि यहां पर 30 लिखिए, क्या करिए, यहां पर 30 लिखिए, यानी कि इसका भी मान रखेगा तो 30 होगा, 15 × 30 क्योंकि बी का मान 2 आ गया, 15 × 30। चाहे आप ये रखिए, चाहे इसको मान रखिए, चाहे ये रखिए, ठीक है, बराबर। अब देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी था और गुना टी, तो ए का मान कितना है? 3। चलिए, 30 लिख लीजिए बराबर 3 + अब बी का मान कितना है? 2 लिख दीजिए गुना टी, तो 30 बराबर
ये कितना हो गया 3.5 × t, तो 56 यानी कि ये t बराबर समय कितना आ गया आपका 6 दिन। तो 6 दिन में काम दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। या तो आप एक टाइप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि अभी हम आपको बताएं, तो वह क्या टाइप है देखिए, इसी तरह से सेम चाहे आप बनाने का तरीका इस तरह करिए, ए जो कर रहा है कितना दिन में 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, टोटल एलसीएम इन दोनों का 30, यानी कि ये क्या हो गया कुल कार्य हो गया। अब 10 दिन में 30 कम करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 3 कम करता होगा। 15 दिन में 30 कम करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये 15 × 30 2 कम करता है। जब ये दोनों को मिला देंगे 3 कम कर रहा है ए और बी 2 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम होने लगेगा 5 कम होने लगेगा, टोटल कम कितना है 30, तो कितना 56 यानी कि 6 दिन में काम खत्म। तो देखिए आप इसे निकाल सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि दोनों जो मिलकर काम करेगा वह होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो ये जो है कि एक दिन का क्षमता दोनों का है, जब दोनों का क्षमता मिलाएंगे यानी कि कुल कार्य बटे क्षमता, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, तो 56 = 30 यानी कि 6 दिन में समाप्त कर सकता है इसमें 1, 2, 3 व्यक्ति, क्योंकि ये पहला टाइप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की, 1-2 प्रश्न और देखते हैं। टाइप नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल देखिए, मनीष और विजय अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उसे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दो व्यक्ति है मनीष और विजय, मनीष जो है कि 16 दिन में काम खत्म कर रहा है और विजय 24 दिन में काम खत्म कर रहा है अकेले अकेले, जब दोनों को मिला देंगे तो काम कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसे आप क्या करिए, ए जो है यानी कि चलिए मनीष से मान लेते हैं यहाँ पे एम, मनीष जो है कितना दिन में काम कर रहा है ये 16 दिन में, ठीक, और विजय भी कितना दिन में काम कर रहा है ये 24 दिन में, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 48 यानी कि कुल ये कार्य कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 48। अब एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकलेगा तो 16 × 48 तो यहां पे 3 कम होगा, एक दिन मनीष एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 कम कर रहा है, और विजय एक दिन में कितना कम करेगा 2 कम करेगा, 24 × 48। अब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो क्या करिएगा टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता, तो टोटल कार्य कितना है 48 बटे 3 × 5 हो जाएगा, ये 3 × 5 हो जाएगा। तो चलिए इसे 5 से भाग दीजिएगा, 9 × 5 = 45 बच गया 3 बच गया 3, तो 3/5 दिन में काम समाप्त कर देगा, ये आपका आंसर आ गया। आप किसी भी तरीका से इसे बना सकते हैं, जो पहला नियम बताएं या इस तरह से, दोनों एक ही बात है, दोनों एलसीएम भी मेथड है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप नंबर 1 का अंतिम सवाल, मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेले 6 दिन में करता है, मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो सवाल को समझ लेंगे, मोहन और सोहन है, मोहन जो है कि 3 दिन में एक काम को खत्म कर देता है और सोहन जो है उसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो काम कितना जल्दी पूरा होगा। तो आइए जैसे कि बताए थे आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका तो यही दिखाया जा रहा है कि मोहन जो है कि 6 दिन में तीन दिन में काम कर रहा है, मोहन कितना दिन में काम कर रहा है 3 दिन में काम कर रहा है, और सोहन उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है, सोहन उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यानी कि ये जो हो गया आपका क्या हो गया कुल कार्य हो गया। अब हमें जो है कि ये मोहन जो है कि छह काम को तीन दिन में खत्म करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा, ये तीन दोनों छह यानी कि दो काम करता होगा। और सोहन जो है कि छह दिन में छह काम खत्म करता है, यानी एक दिन में एक एक काम करता है, ये एक ही काम करता है। अब ये दोनों को मिला दिया जाए तो मिला दिया जाए तो कुल कार्य बटे क्षमता। तो अब देखिए सोहन एक दिन में कितना काम करता है, एक, मोहन एक दिन में काम कितना करता है, दो। जब दोनों एक साथ मिला देंगे तो दो और एक तीन, तीन काम होने लगेगा डेली। तो देखिए टोटल कार्य कितना है, छह। अब दोनों जो काम करेगा मोहन प्लस सोहन जो कार्य करेगा तीन हो जाएगा दोनों मिलकर, क्योंकि दो एक तीन हो जाएगा। अब तीन दोनों छह यानी कि यह जो है कि दो दिन में समाप्त हो जाएगा। टाइप नंबर वन खत्म हो गया, अब टाइप नंबर दूसरा देखेंगे। तो चलिए आप इस प्रश्न को अच्छे समझ गए क्योंकि ये बेसिक था। और यह सही प्रश्न जो है कि आप आईटीआई बिहार, आईटीआई बिहार पॉलिटेक्निक सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए अब हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर टू सवाल को देखेंगे। चलिए टाइप नंबर टू सवाल में देखेंगे कि दो व्यक्ति मिलकर काम करेगा, चाहे दस दिन में करे, छह दिन में करे, पांच दिन में करे। तो उसमें से अगर एक व्यक्ति पांच दिन में काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म करेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा। तो देखिए यदि राम और श्याम दोनों है, राम और श्याम किसी काम को छह दिनों में पूरा करता है, यानी कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को छह दिन में पूरा करता है, राम उसी काम को अकेले दस दिन में समाप्त करता है। अगर राम अकेले उस काम को दस दिन में पूरा करता है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से सवाल को बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, उसी तरह से बैठाएंगे। यहाँ दे रखा है राम और श्याम, यानी कि राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, छह दिन में खत्म कर रहा है। और अकेले राम उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, अकेले राम खत्म कर रहा है उस काम को दस दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम साठ हो जाएगा, छह और दस का एलसीएम साठ हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों ने छह दिन में साठ काम करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा, ये दस काम करता होगा एक दिन में, यानी कि ये तो टोटल वर्क था आपका। अब देखिए राम अकेले दस दिन में सात काम खत्म कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता होगा, ये छह करता होगा। अब पूछा है कि श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए जब दोनों मिलकर, दोनों का कार्य क्षमता एक दिन का कितना है दस, यानी कि आर प्लस एथ, यानी कि राम और श्याम का दोनों का क्षमता कितना है दस, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है दस, और अकेले कितना कर रहा है छह। तो देखिए इसमें अब जबकि हमको आर यानी कि ये राम का हमको दिया हुआ है छह, तो राम का जब छह बैठा देंगे इस जगह, क्या बैठा देंगे, छह प्लस इधर एस हो जाएगा, श्याम बराबर दस। तो आप इसे एस बराबर घटा निकाल सकते हैं, दस माइनस छह यानी कि श्याम का आ गया आपका चार, श्याम का क्षमता कितना आ गया चार। अब टोटल वर्क कितना है साठ, टोटल वर्क साठ है, श्याम एक दिन में कितना काम करता है चार करता है। तो पूरा साठ काम कितना दिन में करेगा, पंद्रह चौके साठ, पंद्रह दिन में समाप्त कर देगा अकेला, कौन, तो श्याम, किसका पूछा है श्याम, श्याम का काल है पंद्रह दिन में काम खत्म कर देगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न में समझ जाइएगा। तो आइए टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर टू सवाल नंबर भी दो। ए और ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस दिन उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल कर रहा है कि दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। अगर ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है तो बी कितने दिन में कर सकता है,
तो बस इसको उसी तरह से बनाएंगे, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ए प्लस बी लिख देंगे। और कितने दिन में कर रहा है ये? 16 दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में कर दिया। और ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में काम कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 48, टोटल वर्क 48 हो गया। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा? 16 × 48 = 3, और ए अकेले 24 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा? ये 2 करता होगा, 24 × 48। अब देखिए ए और क्षमता कितना है? 3। ए प्लस बी बराबर कितना? 3, जिसमें से कि ए अकेले ए 2 काम कर सकता है, ए अकेले उसका क्षमता है 2। तो जब यहाँ ए बैठाइएगा आप प्लस, तो यहाँ पे क्या चीज रखेंगे? बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1। या आप घटा के निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप घटा कर सकते हैं बी, तो यहाँ पर 1, यानी कि बी का मान आपका, बी का मान 1, यानी कि क्षमता कितना जाएगा? बी का। या तो आप घटा के निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बी बराबर ये उधर उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 3 − 2 = 1। तो बी एक दिन में 1-1 काम करता है, ठीक। तो टोटल काम कितना है? 48, टोटल काम है 48। तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? यानी कि बी का क्षमता, यानी कि कुल कार्य बटे क्षमता, तो एक एक से भाग दीजिएगा तो 48 से आएगा, यानी कि 48 दिन में जो है कि बी ने उस काम को खत्म करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, और इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, वे दोनों ₹450 में इस कार्य को पूरा करने का दायित्व लेता है, उसकी राशि में ए का भाग कितना होगा? यानी कि दो व्यक्ति है, ठीक, ए और बी दोनों ने मिलकर उस काम को खत्म करने के लिए, खत्म कितनों दिन में करें उसके पता नहीं, लेकिन ₹450 में ठेका ले लिया, चलो ₹450 हम काम को खत्म कर देंगे। तो उनमें से ए का भाग कितना रुपया होगा? ए का रुपया कितना होगा पूछा है, तो आइए आप दोनों का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे बना रहे थे, देखिए पैसा बांटा जाएगा किस पे? उसके क्षमता पर, कितना वह काम करता है। जैसा कि देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता था? 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। अब देखिए ये तो टोटल वर्क हो गया, एक दिन का क्षमता, यानी कि ए 12 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में कितना काम करता होगा? ये 5 करता होगा, ठीक। अब बी 15 दिन में 60 काम कर रहा था, एक दिन में कितना करता होगा? ये 4 करता होगा, ठीक। अब देखिए यहां हमको पैसा जो बांटा जाएगा उसके क्षमता पर ही बांटा जाएगा, तो ए का क्षमता कितना हो गया? इसको अनुपात में लिख लेते हैं, ए अनुपात बी, तो ए का कितना? 5, और बी का कितना? 4। टोटल रुपया कितना है? टोटल रुपया है आपका 450, ठीक। दोनों मिलके काम आया है ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9। पुश किसका रहा है? ए का, तो ए का कितना है? 5 से गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45, यानी कि 50, 5 × 6 = 25, यानी कि ₹250 हो गया ये किसका? ए का। आप बी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि टोटल रुपया कितना है? 450 बटे दोनों कमा रहा है 450, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9, निकालना किसका है? बी का ना, तो बी का गुना कर दीजिए यहाँ से, तो 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, यानी कि ₹200 हो जाएगा बी का। तो आपका पूछा था ए का, तो ₹250 आंसर सही है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। जैसा कि सवाल कह रहा है यहाँ पे, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है, ए और बी
मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता है, बी और सी मिलकर 15 दिन में उसी काम को समाप्त करता है, और फिर है सी तथा ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप इसमें तीनों का भी पूछ सकते, तीनों का भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में आपको तीनों पूछ सकता है, ए कितने दिन में करेगा वही पूछ सकता है, सी कितने दिन में करेगा वही पूछ सकता है। तो आइए, जैसे कि हम लोग सभी तो एलसीएम मेथड से सवाल को बना रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है ये, फिर बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में कर रहा है, सी और ए, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में कर रहा है। अब टोटल इसका जो होगा एलसीएम, एलसीएम टोटल क्या होता है, कुल ही कार्य होता है, तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसमें समझना है, जैसा कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, 12 पंचे 60, तो ये हो गया एक दिन का काम, यह हो गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हो गया। अब देखिए बी और सी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 4 करता होगा, 15 चौके 60। सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 20 तिया 60, 3 काम करता होगा। अब हम इसे टोटल जोड़ेंगे, यानी कि दो बार आएगा ए, दो बार आएगा बी, दो बार आएगा सी, तो डायरेक्ट हम दो पहले कॉमन ले लेंगे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये एक दिन का कार्य है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम किया है, ये बी और सी मिलकर 4 काम किया है, सी और ए मिलकर 3 काम किया है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 + 5 = 12, ये 12 हो गया। अब इसे कटा सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6। अब हमें सवाल ने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी मिलकर कहां साथ में काम किया है, तो ए सी यहां पे साथ में काम किया है, जो कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 में 3 घटा देंगे, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी का क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है इसका, 60। याद रखिएगा, जब भी हम किसी का मान निकालेंगे तो टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता, तो टोटल वर्क यानी टोटल काम हो गया ऊपर में, और नीचे बी का क्षमता कितना है, 3, तो 3 से भाग दे दीजिए इसमें, 20 दिया 60, यानी कि ये 20 दिन में काम को समाप्त कर देगा, 20 दिन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यदि पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर उसे काम कितने दिन में करेगा, तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो टोटल कार्य कितना है, यानी कि तीनों मिलकर, तीनों मिलेगा तो टोटल कार्य 60 है, और तीनों का यहाँ क्षमता एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो जब एक दिन में काम 6 कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन, 10 दिन, तो ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगर यदि आप सी का निकालना चाहते हैं, तो ए बी का मान इसमें घटा दीजिए, ए बी का, अगर सी का निकालना, देखिए ए बी यहां काम कर रहा है कितना है, 5, तो ए बी का मान आप यहां पे घटा दीजिएगा टोटल, तो सी बराबर हो जाएगा 6 - 5, तो सी का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका 1 क्षमता आ जाएगा, तो सी के लिए 60/1, यानी कि सी ने 60 दिन में काम करेगा अकेला। अगर आप ए के लिए निकालना चाहते हैं, यहां तक समझ गए, अगर आप ए के लिए निकालना चाहते हैं, तो ए के लिए क्या करेंगे, बी सी, तो बी सी साथ में काम क्या है, बी सी यहाँ क्या है, बी सी ने मिलकर एक दिन में 4 दिन काम, 4 काम करता है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, ए के लिए 6 में 4 घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2, तो ए टोटल कार्य करता है
60 और A का क्षमता 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30 × 60 यानी कि 30 दिन में काम खत्म करेगा कौन A। इस तरह से आपको प्रश्न में पूछ सकता है। इस प्रश्न में आप तीन सवाल बनाए, B का निकाल लिए, तीनों मिलकर निकाल लिए, C का निकाल लिए और A का भी निकाल लिए, तो सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 2, सवाल ये सेम है, ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। सवाल को समझ लेंगे, सेम सवाल है लेकिन इसमें अलग पूछा गया है। देखिए, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर रहा है, बी और सी 20 दिन में कर रहा है तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वह सभी मिल जाए तो काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो आइए पहला ए बी ले लेते हैं, ए प्लस बी, ये कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। उसके बाद क्या है बी और सी, बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। और फिर है सी और ए, सी प्लस ए ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब इसका टोटल वर्क निकालना है यानी कुल ये कार्य निकालना है, तो कुल काम कितना होगा इसका एलसीएम ले लेंगे 30 20 15 का। तो सबसे जल्दीबाजी में लेने के लिए एलसीएम क्या करेंगे शॉर्ट तरीका से, इनमें से सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 30 है, सबसे बड़ा संख्या है 30 और इससे छोटा संख्या है 20। क्या 20 से इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे इस बड़े वाला संख्या को आगे गुणज में करेंगे, कितना कर देंगे 60, इसको गुणज में कर दिया 60 कर दिया। अब देख रहे हैं इससे भाग इसमें लग रहा है, अब इससे छोटा वाला लेंगे 15 है तो 15 में भाग भी लग जाएगा 60 से, यानी कि ये 60 इसका एलसीएम आएगा। जल्दीबाजी में एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, उससे छोटा वाला संख्या को उसमें भाग देते हैं, अगर भाग नहीं लगता है तो उसको गुणज में आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके छोटे वाला संख्या पकड़ते हैं और भाग देते हैं, जिसमें सभी से भाग लगता है वही एलसीएम होता है। तो ये जो एलसीएम हो गया ये हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल काम। अब देखिए ए और बी, ए और बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता हुआ ये 30 × 60 दो काम करता हुआ एक दिन में। बी सी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करता होगा 20 × 60। और ए सी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा ये 15 × 60 4 काम करता होगा। अब क्या करेंगे इधर जोड़ेंगे, तो हम अगर इधर जोड़ेंगे सभी को तो ए ए दो बार आ रहा है, बी बी दो बार आ रहा है, सी सी दो बार आएगा, जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो हम पहले क्या कर लेंगे दो कॉमन ले लेंगे ठीक। अब देखिए इसमें जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 3 × 5 = 4 = 9 हो गया। अब तो इससे भाग लगेगा नहीं तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ये हो गया तीनों का कार्य क्षमता, तीनों का कार्य क्षमता कुल कार्य कितना है 60 बटे इससे कुल क्षमता है तो क्षमता यहां बैठा देंगे 9/2। इसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 60 न कुछ तो एक गुणा कर दीजिएगा 2 ऊपर नीचे और ये 9 नीचे आ जाएगा। अब इसे कटा दीजिए 3 × 9 अब 20 × 60 कर जाएगा, अब ऊपर गुना हो जाएगा तब तक जाएगा ये 40/3। अब इसे क्या करिए पूर्णांक में तोड़ दीजिए 33 × 39 = 40 तो इतने दिन में ये काम समाप्त कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप सवाल को समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे किसी एक का मान निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि पहले प्रश्न में आपको बता दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सवाल नंबर 3 देखिए, ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। उन तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने तथा 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल को समझ लिए होंगे, तीन व्यक्ति मिलकर काम शुरू किया यानी कर रहा है और अचानक काम जो है कि लास्ट में ए ने 3 दिन पहले, ए ने 3 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया, बी ने भी 4 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ दिया। लेकिन इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जब भी यानी काम खत्म होने पर है और 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर काम पहले छोड़ रहा है तो उसे छोड़ने नहीं देंगे, उससे काम करवा देंगे, कहेंगे भैया काम करके ही जाइए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी और सी, तो ए कितने दिन में है, 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम तो आप सभी जानते हैं 60 हो गया। अब देखिए इसका एक दिन का कार्य कितना हो गया, 12 × 5 = 60, 5 हो गया, इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3, 20 × 60। अब देखिए ये ए है, ये ए है, ए कितना दिन पहले छोड़ के काम जा रहा है, 3 दिन पहले, तो इसके साथ ये 3 दिन पहले जा रहा है लेकिन काम वो 5 दिन तक, यानी कि उसका कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, तो कितना काम छोड़ के जा रहा है, 3 से गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, यानी कि वह जो है कि 15 काम जो है छोड़ के जा रहा है। फिर देखिए ये बी है, बी 4 दिन पहले जा रहा है, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 16, यानी कि 16 काम बी भी छोड़ के जा रहा है, लेकिन इसको छोड़वाएंगे नहीं, काम करवा ही देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना जाएगा 31, ये 31 काम होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल आपका काम कितना था 60, 60 में क्या करेंगे हम 31 जोड़ देंगे, 31 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा ये 91। अब ये कुल कार्य हो गया 91, कुल एक कार्य हो गया। अब इन सभी का क्षमता कितना हो जाएगा, इन सभी का क्षमता को अब जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9 और 9 × 3 कितना हो गया, तीनों का क्षमता हो गया 12, और यहाँ कितना दिया हुआ है कुल कार्य न कि टोटल काम जो है कि 91 है, और इन तीनों का क्षमता कितना हुआ था 5 × 4 = 9 × 3 = 12 है। अब इसको क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए या इसको तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ देते हैं, 7 हो जाएगा और नीचे 12, ये 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है कि आपका इतना दिन में काम